अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दानियाज वर्ल्ड। और आज मैं अपनी मम्मा के घर पर हूँ। आज नहीं, खैर ईद वाले दिन से घर पर हूँ। मम्मा के शाम को आई थी और आज मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन, जो बहुत टेस्टी होते हैं। ट्राई करूँगी, फर्स्ट ट्राई है मेरा, इंशाल्लाह बहुत टेस्टी बनने वाले हैं, आई होप। और पहले मैंने बिरयानी बना ली है, और जब भी हम लोग मम्मा के घर पर होते हैं बहुत अच्छा लगता है। इन्ग्रीडियंट्स मैंने क्या क्या लिए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। बिरयानी मैंने बनाई है अभी, जस्ट बहुत टेस्टी बनी होगी इंशाल्लाह, खुशबू से ही लग रहा है उसकी। और सभी लोग जब मम्मा के घर पे इकट्ठे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और मज़े मज़े की चीज़ें बनाते हैं तरह तरह की हम लोग मिलकर। और इस टाइम मेरे हस्बैंड नहीं हैं, दानिश अपने घर पर हैं, और मैं रुक गई थी मम्मा के घर पर, मैं और सिस्टर और जीजू भी हैं अभी। तो बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह जब सब लोग इकट्ठे होते हैं। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं और कैसे बनाऊँगी मैं गुलाब जामुन, आपके साथ शेयर करूँगी सारी रेसिपी। चलिए मैं दिखाती हूँ, इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ मैं पहले। हाँ जी, तो ये है हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स। जो मिल्क पाउडर लिया है वो मैंने लिया है 250 ग्राम, एक चम्मच मैंने बटर लिया है, थोड़े से काजू बादाम लिए हैं उसको कट कर लिया है, एक छोटी कटोरी मैंने दूध लिया है, दूध को हम 4 बड़े चम्मच से मेज़र इस तरह से भी कर सकते हैं, और थोड़ी सी मैंने जो मैदा है वो ली है। सबसे पहले हम इसकी चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए एक कटोरी बड़ी मैंने चीनी ली है और उतना ही मैंने पानी लिया है, मेज़र बस यही इसका नाप है कि जितनी चीनी उतना ही पानी। और इसको हम बहुत अच्छे से पका लेंगे, थोड़ा गाढ़ा कर लेना है इसको। तार का मैंने इसमें नहीं लिया है, एक तार या दो तार की चाशनी मुझे नहीं पता, बट मैंने सिर्फ इसको थोड़ा सा गाढ़ा किया है। और नानी कहती थी मेरी कि एक तार की चाशनी, दो तार की चाशनी, उस तरह से मैंने इसको मेज़र नहीं किया है, मैंने बस इसको थोड़ा सा गाढ़ा किया है, पकाया है मैंने इसको 5 से 10 मिनट तक। और दूसरी गैस पे मैंने एक पैन रख दिया है, क्योंकि हम इसको गुलाब जामुनों के लिए इसका जो डो है वो तैयार करेंगे। पैन में मैंने थोड़ा सा दूध डाला है पहले, और उसमें मैंने बटर डाल दिया है, और इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से, मेल्ट हो जाए बटर इतना। और बटर हमारा देखिए मेल्ट हो चुका है। आज हमने जो है इसकी फ्लेम वो धीमी ही रखनी है, नहीं तो जो हमारा सारा मिल्क पाउडर या दूध कुछ भी है वो जल जाएगा। हाँ जी, तो बटर इसमें बिल्कुल बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हमने इसमें डालना है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने के बाद हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। और याद रखिए, ये आपका जो मिल्क पाउडर है वो जले नहीं, अगर आपकी फ्लेम हाई होगी तो ये जल जाएगा, इसलिए फ्लेम को लो रखें और इसको चलाते रहें, मिक्स कर लें बहुत अच्छे से। इसी तरह हमने इसको बस मिक्स करते रहना है और पकाना है बस 3 से 4 मिनट, ज़्यादा नहीं। इसको हमने बस ऐसे ही पकाना है 3 से 4 मिनट तक। और ये देखिए डो इसका बनकर तैयार हो चुका है। और इसमें अब मैं मिलाऊंगी थोड़ी सी मैदा, 2 चम्मच मैदा मिलाऊंगी अभी मैं इसमें फ़िलहाल, और इसको मिक्स कर लेना है बहुत अच्छे से। और इसको बहुत अच्छे से, जैसे आटा बनाते हैं हम वैसे ही बनाना है इसको, बहुत अच्छे से। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए, तभी ये बहुत अच्छी बनेंगी। इसको हमने बहुत स्मूथ करना है। इस तरह से हमने इसका डो तैयार कर लेना है, और ये बहुत ही परफेक्ट बना है, बहुत अच्छा। इससे गुलाब जामुन जो है वो बहुत ही टेस्टी बनेंगी। जितना आपका ये जो डो है इसका स्मूथ होगा, उतना ही अच्छा गुलाब जामुनों में टेस्ट आएगा।
और अब हमने इसकी जो बॉल्स हैं वो बना लेनी है, गुलाब जामुन बना लेनी है, छोटी छोटी बॉल्स बनानी है हमने इसकी। और इसके अंदर मैं रखूँगी काजू बादाम, और हाथ पे जो है थोड़ा सा घी लगा लें जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्ड ना हो, थोड़ी सॉफ्ट हो, इस वजह से घी लगा लेना है। और इस तरह से हमने इसके अंदर काजू या बादाम जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं मेवा। बहुत अच्छे से स्मूथली राउंड शेप देना है और इसी तरह से सारी गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लेनी है। और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में रिफाइंड ऑयल लिया है, आप इसको घी में भी फ्राई कर सकते हैं, और बहुत ही लो फ्लेम पर इसको फ्राई करना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। अब देखिए माशाल्लाह फ्राई ये हो रहे हैं धीरे धीरे, थोड़ा सा पेशेंस रखना है क्योंकि इसको टाइम लगता है फ्राई होने में, इसको बहुत अच्छे से फ्राई करना है नहीं तो ये कच्चे रह जाएंगे अंदर से। बस ध्यान यही रहे कि हल्की आंच पर करना है इसको। और माशाल्लाह ये फ्राई हो चुके हैं एकदम परफेक्ट। अब हमने इसको चाशनी में डाल देना है। गुलाब जामुन हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं माशाल्लाह, देखने में भी बहुत अच्छे बने हैं। इसी तरह से आप बनाएं, आपके भी गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनेंगे। अगर आप सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे केयरफुली तो इंशाल्लाह आपके भी जो गुलाब जामुन हैं वो बहुत टेस्टी बनने वाले हैं। और मुझे बहुत पसंद है गुलाब जामुन, आप भी बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। माशाल्लाह बहुत ही एकदम हलवाई जैसे बनकर तैयार हो चुके हैं ये प्यारे प्यारे गुलाब जामुन।